नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज वनस्पति यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही एक बेहतरीन और ज़बरदस्त जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे। दोस्तों, यह जानकर आप दंग रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ नहीं है, लेकिन आपने देखा जरूर होगा दोस्तों, यह देखकर आप पहचान जरूर जाएंगे। दोस्तों, ये क्या चीज़ है, प्रकृति के खजाने में ऐसे अनमोल और बेहतरीन गुणों वाले पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं दोस्तों, जो हमारे आसपास होते हुए भी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं होती और दोस्तों इसके कारण हम इसके लाभ नहीं ले पाते हैं। इसकी जानकारी ना होने के कारण हम इसे बेकार समझ लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये बेकार नहीं होते। तो ऐसी ही एक जड़ी बूटी है जिसका नाम है गेंदा या मैरी गोल्ड। दोस्तों, ये आपने देखा जरूर होगा, ये देख लीजिए। ये पेड़ पौधे हमारे विशाल भारत देश में अनेक प्रकार की भाषाएं होती हैं और अनेक प्रकार के नाम भी होते हैं। दोस्तों, आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, गेंदे के फूल लंबे समय से दुनिया भर के बाग बगीचों और घरों में चमकीले रंगों और आकर्षक लुक के लिए बेशकीमती रहे हैं। दोस्तों, गेंदे के फूल को टैगेटस कहा जाता है। इन नारंगी फूलों को उगाना और बनाए रखना आसान है। भारत में ये फूल सभी त्योहारों के लिए महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, अक्सर भगवान को प्रसाद के रूप में या मंदिर की सजावट के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसे हम विस्तार से बताएंगे कि गेंदे के फूलों की दिलचस्प दुनिया के बारे में जानेंगे और उन्हें उगाने के तरीके और वास्तव में उनके महत्व और उनके द्वारा प्रदान किए जाने वाले कई फायदों के बारे में दोस्तों बताएंगे। दोस्तों, गेंदे के फूल जीवंत और रंगीन होते हैं और उनकी उपस्थिति आपके मूड में सुधार कर सकती है और आपके घर में एक खुशहाल माहौल बना सकती है। दोस्तों, गेंदे के फूलों का उपयोग अक्सर कई सभ्यताओं और धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कारों के लिए किया जाता है। दोस्तों, ध्यान के लिए अपने स्थान पर या प्रार्थना के लिए या पूजा पाठ के लिए दोस्तों इसका उपयोग करने में पवित्रता की भावना बढ़ जाती है। दोस्तों, गेंदे का उपयोग अक्सर उत्सवों के लिए सजावट के रूप में किया जाता है और त्योहारों के लिए अपने घर को सजाने के लिए इसका प्रयोग करने में आपका परिवार खुशी और संतुष्ट महसूस कर सकता है। दोस्तों, मैरीगोल्ड या गेंदे में एक विशिष्ट सुगंध होती है जो आपके घर को एक स्वागत योग और पुनर्जीवित करने वाला वातावरण बना देती है। दोस्तों, गेंदे के फूल के कई नाम हैं। देश भर में लोग इसे गेंदे को गुलतोरा या कलक या लाल मुर्गा, हजारा, मखमली आदि नामों से भी जानते हैं। गेंदे के पीले पीले फूल और लाल लाल फूल लगभग हर घर में पाए जाते हैं। यह जितना खूबसूरत होता है उतना ही यह आपके शरीर के लिए फायदेमंद भी होता है। दोस्तों, आयुर्वेद में गेंदे के कई सारे औषधीय गुण पाए गए हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं गेंदे के पौधे के क्या क्या फायदे हैं और क्या उपयोग हैं और इसका लेने के क्या तरीके हैं। दोस्तों, अगर किसी को पेशाब रुक रही है, पेशाब नहीं आ रही है, इसके लिए दोस्तों गेंदे के 10 ग्राम पत्तों के रस में मिश्री मिलाकर दिन में 3 बार पिलाने से रोगी ठीक हो जाता है और रुका हुआ पेशाब खुलकर आने लगता है। दोस्तों, नाक से खून बहने पर भी गेंदे के पौधे के औषधीय गुण से फायदा मिलता है। इसके लिए दोस्तों आपको 1 से 2 बूंद गेंदे के पत्ते के रस को नाक में डालें, इससे नाक में खून आना बंद हो जाता है। दोस्तों, कान में दर्द हो रहा है, इसके लिए दोस्तों इसके औषधीय गुण बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आपको 2-2 बूंद गेंदे के पत्ते के रस को कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। दोस्तों, महिलाओं को अगर स्तनों में सूजन हो गई है, इसकी समस्या है, तो यह बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए दोस्तों के पत्तों को लाएं और इसे पीस कर इसका लेप बना लें और दोस्तों अब इसका इस्तेमाल स्तनों पर करें और इसके बाद हल्के हल्के इसे सिखाई कर लें। दोस्तों, इससे सूजन खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह बवासीर के इलाज के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, किसी को पाइल्स की समस्या है, इसके लिए दोस्तों 10 ग्राम गेंदे के पत्ते ले आएं और 2 ग्राम काली मिर्च और एक साथ पीस लें और इसे पीने से बवासीर में लाभ होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।